जीनियस शिक्षा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम यानी बिल्कुल शुरुआत से इंग्लिश पढ़ने के क्लास 8 में हम लेकर आए हैं इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस। यानी आज के इस क्लास में हम इंग्लिश पढ़ने का प्रैक्टिस कराएंगे, एक एक अक्षर को जोड़कर जो है ना आपको पढ़ना सिखाएंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए आज की इस क्लास को हम शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले आज के इस क्लास को कर दीजिए लाइक, क्योंकि आप जो है ना बाद में भूल जाते हैं। और आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं यानी अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बेल आइकन दिख रहा ना उसको ऑन कर लीजिए, ताकि मैं जब भी क्लास कराऊंगा तो उसका नोटिफिकेशन डायरेक्ट आपके मोबाइल पर मिलता रहे। और ध्यान रहे, आप जो है ना आज के इस क्लास को लास्ट तक और पूरे ध्यान से देखिएगा, ताकि आपको जो है ना इंग्लिश पढ़ने का प्रैक्टिस हो जाए। तो चलिए यहां पे हम शुरू करते हैं। तो यहां पे देखिए, हम एक एक अक्षर को उच्चारण करेंगे, फिर इसको एक साथ जोड़कर हम पढ़ना सीखेंगे, ठीक है। तो यहां पे आप ध्यान से देखिएगा, डी आई डब्ल्यू ए एल आई, इसको क्या पढ़ेंगे, देखिए डी आई से डी, डब्ल्यू ए से वा, एल आई से ली, क्या होगा दिवाली। ओ आर इसको पढ़ेंगे और, डी डबल ई पी ए डब्ल्यू ए एल आई, इसको पढ़ेंगे दीपावली। देखिए डी डबल ई से डी, पी ए से पा, डब्ल्यू ए से वा, एल आई से ली, दीपावली, ठीक। आई एस इज टी एच ई द, एफ ई एस टी आई वी ए एल, इसको पढ़ेंगे फेस्टिवल, क्या पढ़ेंगे फेस्टिवल। ओ एफ ऑफ एल आई जी एच टी, इसको क्या पढ़ेंगे लाइट। रूल क्या था कि जब किसी वर्ड में आई के बाद जी एच रहे तो इस आई का आई उच्चारण होगा, ठीक। तो इसलिए इसको पढ़ा गया है लाइट, ध्यान रखिएगा। तो देखिए इसको हम एक बार डायरेक्ट पढ़ना सीखेंगे, दिवाली और दीपावली इज द फेस्टिवल ऑफ लाइट। आप देखिए आई टी इट आई एस इज ओ यू आर आवर, देखिए रूल में क्या था कि ओ यू एक साथ रहे तो ओ यू का आव उच्चारण होगा, ठीक है। तो यहां पे आवर होगा, एम ओ एस टी मोस्ट, पी ओ पी यू एल ए आर, इसको पढ़ेंगे पॉपुलर। देखिए पी ओ से पो, पी यू से पू, एल ए आर से लर, क्या होगा पॉपुलर, ठीक। यहां पे देखिए एफ ई एस टी आई वी ए एल फेस्टिवल। तो आइए इसको हम एक बार डायरेक्ट पढ़ना सीखते हैं, इट इज आवर मोस्ट पॉपुलर फेस्टिवल। यहां पर देखिए आई टी इट सी ओ एम ई एस, इसको कम पढ़ेंगे, इसमें एस लगा है ना तो एस जोड़ देंगे लास्ट में, कम्स, ठीक। अगर यहां पे एस नहीं रहेगा तो आप इसको केवल पढ़िएगा कम, अगर एस लगता है तो कम्स, ठीक। तो यहां पे कम्स पढ़ेंगे, टी डब्ल्यू ई एन टी वाई, इसको पढ़ेंगे ट्वेंटी, डी ए वाई एस डेज, देखिए डे में एस लग गया है तो डेज पढ़ेंगे, ठीक। ए एफ टी ई आर आफ्टर, डी ए एस एच E R H A, इसको पढ़ेंगे दशहरा, ठीक। तो यहां पे देखिए इट कम्स 20 डेज आफ्टर दशहरा। यहां पे देखिए I T इट I S इज C E L E B R A T E D, इसको पढ़ेंगे सेलिब्रेटेड, क्या पढ़ेंगे सेलिब्रेटेड। अगर आपको जो भी बड़ा वर्ड्स मिल रहा है
आपको पढ़ने में कठिन लगेगा तो क्या करना, इसको लिख करके और जस्ट जो है ना इसके सामने इसका हिंदी लिख देना। जो इसे जैसे यहां पे देखिए सेलिब्रेट, तो आप इसको लिख करके इसका हिंदी आप लिख सकते हैं सेलिब्रेट, और इसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा ताकि कहीं भी इस तरह का मिले तो आप उसको आसानी से पढ़ देंगे। ठीक, यहां पर देखिए ओ एन क्या होगा, ऑन टी एच ई क्या पढ़ेंगे इसको, द एन ई W क्या होगा, न्यू M डबल O N क्या पढ़ेंगे इसको, मून N I G H T नाइट I N इन T H E द M O N T H मंथ O F ऑफ K A R T I K क्या पढ़ेंगे इसको, कार्तिक। तो आइए यहां पे इसको डायरेक्ट पढ़ना सीखते हैं, इट इज सेलिब्रेटेड ऑन द न्यू मून नाइट इन द मंथ ऑफ कार्तिक P E O P L E इसको पढ़ेंगे पीपुल, क्या पढ़ेंगे पीपुल, S A Y से T H A T डैट L O R D लॉर्ड R A M राम T H E द S O N सन O F ऑफ K I N G King D A S H R A T H देखिए D A S H से दश R A T H से रथ यानी दशरथ O F ऑफ A Y O D H Y A अयोध्या। देखिए अभी A C A Y O C U D H से ध Y A C या अयोध्या। ठीक, C A M E केम B A C K बैक F R O M फ्रॉम T H E द F O R E S T फॉरेस्ट A F T E R आफ्टर F O U R T डबल ई एन 14 वाई ई ए आर एस ईयर्स ओ एन ऑन टी एच आई एस दिस डी ए वाई डे। तो यहां पे देखिए इसको एक बार हम डायरेक्ट पढ़ना सीखेंगे, पीपुल से डैट लॉर्ड राम द सन ऑफ किंग दशरथ ऑफ अयोध्या केम बैक फ्रॉम द फॉरेस्ट आफ्टर 14 ईयर्स ऑन दिस डे। यहां पर देखिए पी ई ओ पी एल ई पीपुल सी ई एल ई बी आर ए टी ई सेलिब्रेट एच आई एस हिज आर ई टी यू आर एन रिटर्न ए एस एच टी एच ई द D A Y Day O F of D I W A L I Diwali। तो यहां पर देखिए पीपुल सेलिब्रेट हिज रिटर्न एज द डे ऑफ दिवाली आई टी इट आई एस इज A D A Y Day O F of R
ई जे ओ आई सी आई एन जी रिजॉइसिंग। तो यहां पे देखिए, इट इज ए डे ऑफ रिजॉइसिंग। तो चलिए आगे हम और भी इंग्लिश के वर्ड्स को जो है ना पढ़ने का हम प्रैक्टिस करते हैं। तो यहां पे देखिए, पी ई ओ पी एल ई पीपुल सी एल ई ए एन क्या पढ़ेंगे इसको, क्लीन ए एन डी एंड डब्ल्यू एच आई टी ई डब्ल्यू ए एस एच इसको पढ़ेंगे वाइट वॉश। देखिए दो वर्ड्स है इसमें, वाइट और वॉश, ठीक, वाइट वॉश पढ़ेंगे इसको, टी एच ई आई आर देयर एच ओ यू एस ई एस हाउसेस ओ एन ऑन टी एच आई एस दिस ओ डबल सी ए एस आई ओ एन ओकेजन। तो देखिए इसको डायरेक्ट पढ़ेंगे, पीपुल क्लीन एंड वाइट वॉश देयर हाउसेस ऑन दिस ओकेजन, ठीक। यहां पर देखिए टी आर ए डी ई आर एस ट्रेडर्स ए एन डी एंड एम ई आर सी एच ए एन टी एस मर्चेंट्स डी ई सी ओ आर ए टी ई डेकोरेट टी एच ई आई आर देयर एस एच ओ पी एस शॉप्स ए एन डी एंड ओ डबल एफ आई सी ई एस ऑफिसेस डब्ल्यू आई टी एच विद एल आई जी एच टी एस लाइट्स ओ आर और एल ए एम पी एस लैंप्स। तो देखिए इसको डायरेक्ट पढ़ना सीखेंगे, ट्रेडर्स एंड मर्चेंट्स डेकोरेट देयर शॉप्स एंड ऑफिसेस विद लाइट्स और लैंप्स एस एच ओ पी एस शॉप्स एल डबल ओ के लुक बी ई डबल टी ई आर बेटर ए एन डी एंड बी आर आई जी एच टी ई आर ब्राइटर। देखिए ब्राइट में ई आर लास्ट में लग गया तो ब्राइटर पढ़ेंगे इसको, ठीक है। तो यहां पे देखिए, शॉप्स लुक बेटर एंड ब्राइटर। यहां पे देखिए डी डबल ई पी ए डब्ल्यू ए एल आई दीपावली एम ई ए एन एस मीन्स ए आर ओ डब्ल्यू रो। देखिए ओ डब्ल्यू लास्ट में है तो ओ का उच्चारण होगा रो, ओ एफ ऑफ एल ए एम पी एस लैंप्स। तो देखिए इसको डायरेक्ट पढ़ेंगे, दीपावली मीन्स ए रो ऑफ लैंप्स एस ओ सो आई टी इट आई एस इज ए एल एस ओ अल्सो सी ए डबल एल ई डी कॉल्ड डी डबल ई पी ए एम ए एल आई के ए दीप मल्लिका। देखिए यहां पे, सो इट इज अल्सो कॉल्ड दीप मल्लिका पी ई ओ पी एल ई पीपुल
आई डबल एल यू एम आई एन ए टी ई इल्यूमिनेट। क्या पढ़ेंगे इसको? इल्यूमिनेट। जो भी बड़ा वर्ड्स है उसका आप जो है ना हिंदी लिख लिया कीजिए, ठीक है, ताकि नेक्स्ट बार जो आए तो आप उसको आसानी से पढ़ लेंगे, लिखकर याद कर लीजिएगा, ठीक है। टी एच ई आई आर देयर, एच ओ यू एस ई एस हाउसेस, डब्ल्यू आई टी एच विद आर ओ डब्ल्यू एस रोज, ओ एफ ऑफ एल आई जी एच टी एस लाइट्स। तो यहां पे देखिए पीपुल इल्यूमिनेट देयर हाउसेस विद रोज ऑफ लाइट्स। आई टी इट आई एस इज सी ई एल ई बी आर ए टी ई डी सेलिब्रेटेड, डब्ल्यू आई टी एच विद जी आर ई ए टी ग्रेट, पी ओ एम पी पॉम्प ए एन डी एंड एस एच ओ डब्ल्यू शो। यहां पर देखिए इट इज सेलिब्रेटेड विद ग्रेट पॉम्प एंड शो, पी ई ओ पी एल ई पीपुल पी यू टी पुट ओ एन ऑन एन ई डब्ल्यू न्यू ओ आर और सी एल ई ए एन क्लीन, सी एल ओ टी एच ई एस क्लॉथ्स, क्लॉथ में ई एस लगा है तो क्लॉथ्स पढ़ेंगे, ओ एन ऑन टी एच आई एस दिस डी ए वाई डे। तो यहां पे देखिए पीपुल पुट ऑन न्यू और क्लीन क्लॉथ्स ऑन दिस डे, सी एच आई एल डी आर ई एन चिल्ड्रेन, ठीक है। देखिए यहां पे सी एच आई एल डी चाइल्ड, अगर इस तरह रहा है तो चाइल्ड पढ़िएगा, इसमें आर ई एन लग गया है, ठीक है, तो ये हो गया चिल्ड्रेन, ठीक। तो चिल्ड्रेन ए एन डी एंड ए वी ई एन इवेन जी आर ओ डब्ल्यू एन ग्रोन यू पी एस अप्स ई एन जे ओ वाई एन्जॉय एफ आई आर ई फायर डब्ल्यू ओ आर के वर्क। तो यहां पे देखिए चिल्ड्रेन एंड इवेन ग्रोन अप्स इंजॉय फायर वर्क्स। तो चलिए आगे हम और भी इंग्लिश पढ़ने का प्रैक्टिस करते हैं। तो यहां पे देखिए डब्ल्यू ई वी एच ई ए आर हियर सी आर ए सी के ई आर एस क्रेकर्स जी ओ आई एन जी गोइंग ओ डबल एफ ऑफ एच ई आर ई हेयर ए एन डी एंड टी एच ई आर ई देयर। तो यहां पे देखिए वी हियर क्रेकर्स गोइंग ऑफ हेयर एंड देयर टी एच ई द बी यू एस आई एन ई डबल एस बिजनेस वाई ई ए आर ईयर एफ ओ आर फॉर टी आर ए डी ई आर एस ट्रेडर्स ए एन डी एंड एम ई आर सी एच ए एन टी एस मर्चेंट्स बी ई जी आई एन एस बिगिन्स ओ एन ऑन टी एच ई द डी ए वाई डे ओ एफ ऑफ
डी डबल ई पी ए डब्ल्यू ए एल आई दीपावली। तो यहां पे देखिए द बिजनेस ईयर फॉर ट्रेडर्स एंड मर्चेंट्स बिगिंस ऑन द डे ऑफ दीपावली। पी ई ओ पी एल ई पीपुल सी ई एल ई बी आर ए टी ई सेलिब्रेट टी एच आई एस दिस डी ए वाई डे ए एस एज एल ए के एस एच एम आई लक्ष्मी पी यू जे ए पूजा डी ए वाई डे। तो यहां पे देखिए पीपुल सेलिब्रेट दिस डे एज लक्ष्मी पूजा डे एल ए के एस एच एम आई लक्ष्मी टी एच ई द जी ओ डबल डी ई डबल एस गॉडेस ओ एफ ऑफ डब्ल्यू ई ए एल टी एच वेल्थ ए एन डी एंड पी आर ओ एस पी ई आर आई टी वाई प्रोस्पेरिटी आई एस इज डब्ल्यू ओ आर एस एच आई डबल पी ई डी और शिफ्ट। ठीक, तो यहां पे देखिए लक्ष्मी द गॉडेस ऑफ वेल्थ एंड प्रोस्पेरिटी इज और शिफ्ट। ठीक, तो यहां पे देखिए पी ई ओ पी एल ई पीपुल डब्ल्यू आई एस एच विश ए एच ए डबल पी वाई हैप्पी डी आई डब्ल्यू ए एल आई दिवाली टी ओ टू ई ए सी एच इच ओ टी एच ई आर अदर। ठीक, तो यहां पे देखिए पीपुल विश ए हैप्पी दिवाली टू इच अदर एस डब्ल्यू डबल ई टी एस स्वीट्स ए आर ई आर डी आई एस टी आर आई बी यू टी ई डी डिस्ट्रीब्यूटेड टी ओ टू एफ आर आई ई एन डी एस फ्रेंड्स आर ई एल ए टी आई वी ई एस रिलेटिव्स ए एन डी एंड ओ टी एच ई आर एस अदर्स। तो यहां पे देखिए स्वीट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू फ्रेंड्स रिलेटिव्स एंड अदर्स। तो फ्रेंड्स इस तरह से जो है आप इंग्लिश के एक एक अक्षर को आप उच्चारण करके उसको बाद में जोड़ करके आप इंग्लिश पढ़ने का प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस क्लास में बस इतना ही। आज का क्लास आपको कैसा लगा है प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आज की इस क्लास को हो सके तो आप एक बार और शुरू से रिपीट कर लीजिए ताकि आपको जो है ना अच्छे तरीके से इंग्लिश पढ़ने का प्रैक्टिस हो जाए, और इसमें जो भी बड़े वर्ड्स हैं और कठिन वर्ड्स हैं उसको जो है ना अपने कॉपी में लिख लीजिए, और जब हम बोल रहे हैं उसका हिंदी तो उसके सामने जस्ट उसका हिंदी लिख करके अच्छे तरीके से याद कर लीजिए ताकि यही वर्ड्स किसी भी इंग्लिश में लिखा हुआ रहेगा, कहीं भी इंग्लिश के बुक में या कहीं भी आपको लिखा हुआ मिलेगा तो आप उसको आसानी से पढ़ देंगे। और आज के इस क्लास को अपने सभी फ्रेंड्स रिलेटिव को शेयर कर दीजिए ताकि वे भी घर बैठे आसानी से इस क्लास के माध्यम से इंग्लिश पढ़ने का प्रैक्टिस करते रहें। जय हिंद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस के क्लास में।